हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आपको हार्ट लाइन के विषय में बताऊंगी और हाथ में पाई जाने वाली ये हार्ट लाइन बहुत महत्व रखती है आपके करियर के लिहाज से, आपके फ्यूचर के लिहाज से, आपके हेल्थ इश्यूज के लिहाज से और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। और आप इसे छोटा बिल्कुल भी मत आंकिए, क्योंकि आपके हाथ में पाई जाने वाली तीन मुख्य रेखाएं हैं, जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा कहते हैं और जीवन रेखा। इन तीनों लाइन का एक सही आकार प्रकार में होना व्यक्ति के बहुत सारी व्यक्ति के संबंध में बहुत सारी चीज़ों के विषय में बताता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या उसका सामाजिक दायरा हो। तो सबसे पहले जब हम हार्ट लाइन की शेप की बात करते हैं, कितनी छोटी और कितनी बड़ी हार्ट लाइन शेप, जो हार्ट लाइन का शेप है वो क्या बताता है आपके विषय में। तो देखिए, हार्ट लाइन जब छोटी होती है और अगर वो मिडिल फिंगर के नीचे जाके रुक जाती है तो बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति नैरो माइंडेड होता है, इसका सामाजिक दायरा थोड़ा सा कम होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है और रूथलेस भी होता है कई बार। तो इस तरीके की हार्ट लाइन अच्छी नहीं मानी जाती है। लव के मामले में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है लव पर ज्यादा फोकस नहीं करता है, लव की बजाय इसका जो संबंध होता है और लोगों के साथ वो फिजिकल होता है। यहाँ पर मैं प्रेम के संबंधों के विषय में बात कर रही हूँ। तो ये जो हार्ट लाइन है ये अच्छी हार्ट लाइन नहीं है। और अगर सपोज इस पर कोई भी यव का साइन आ जाए इस तरीके से छोटा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है, तो ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति को हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस पे बनने वाले चिन्ह और इस पे बनने वाले सिंबल्स के विषय में मैं अगले सीरीज में लेके आऊंगी, जब मैं बताऊंगी कि हार्ट लाइन किस तरीके की होनी चाहिए। जब हम साइन और सिंबल्स की बात करते हैं, उसकी मोटाई की, उसकी लंबाई और चौड़ाई की जब हम बात करते हैं, उसी के साथ साथ इसमें पाए जाने वाले जब हम सिंबल और साइन की बात करते हैं, तो ये दोनों ही चीजें डिफरेंट है। तो आज मैं आपको साइज के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जब आपकी हार्ट लाइन छोटी है, उसके बाद जब आपकी हार्ट लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है और ये जाके सैटर्न की जगह पर खत्म हो जाती है, मतलब सैटर्न के स्थान पर ही जाकर खत्म हो जाती है, या यूं कहें कि कुछ डायरेक्शन इसका जुपिटर की तरफ भी होता है। तो जब इस तरीके की हार्ट लाइन मैंने ज्यादातर उन लोगों के हाथ में देखी है जिनके हाथ में एम का साइन बनता है। तो M का साइन कैसे बनता है ये मैं आपको यहाँ पर बताती चलूंगी साथ ही साथ। जब आप देखेंगे तो M का साइन कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पर इस तरीके से एक हार्ट लाइन बनी, उसके साथ साथ यहाँ से एक लक लाइन आई, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको और कर्व करने की कोशिश करूंगी यहाँ से, ये तो जब आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से M का साइन बनता है। तो अब देखिए ये M का साइन बना। अब हार्ट लाइन कहाँ खत्म हो रही है, शनि के स्थान पर। शनि के स्थान पर खत्म होती हुई हार्ट लाइन बताती है व्यक्ति के कार्मिक नेचर के बारे में। ऐसा व्यक्ति कर्म से जुड़ा होता है और यूं कहें कि कर्म को बहुत महत्व देता है, पैसे को भी बहुत महत्व देता है। इसकी प्रोफेशनल लाइफ ज्यादा अच्छी होती है जब हम बात करेंगे पर्सनल लाइफ से। तो ये हार्ट लाइन भी एक तरीके से अच्छी है उन लोगों के हिसाब से जो करियर में बहुत ज्यादा फोकस होते हैं या रहना चाहते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है। अब बात करते हैं वो हार्ट लाइन जो मिडिल फिंगर और जुपिटर फिंगर के बीच में जाकर खत्म हो जाती है। अब ये इस तरीके की जो हार्ट लाइन होती है ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा बैलेंस वाला नेचर देती है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, लोगों के साथ कैसे संबंध बना के रखने हैं, सामाजिक दायरा कितना होना चाहिए, बहुत अच्छी हार्ट लाइन होती है। और प्रेम के मामले में भी ये हार्ट लाइन काफी अच्छी देखी गई है। और जब हम दोनों हाथों को जोड़ें और इस तरीके से कुछ कर्व लेकर अगर हार्ट लाइन बने तो ऐसे में बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में चांद बनता है। तो बताता है व्यक्ति के थोड़ा सा रोमांटिक नेचर के बारे में और केयरिंग नेचर के बारे में। अब बात करते हैं उस हार्ट लाइन के विषय में जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है। तो जब आपकी हार्ट लाइन सीधी जाती हुई जुपिटर के स्थान पर खत्म हो और यहाँ से कुछ फॉक इस तरीके से निकल आए, ठीक है, तो ये व्यक्ति के बहुत ज्यादा एम्बिशियस नेचर के विषय में बताती है। और ऐसे व्यक्ति भी
काम के प्रति या फिर कुछ करने के लिए अपनी लाइफ में हमेशा अग्रसर रहता है। और यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रेम के मामले में धोखेबाज होता है, प्रेम के मामले में भी वो वफादार होता है, लेकिन उसकी जो चाहत होती है वो लाइफ में कुछ करने की होती है। तो ये हार्ड लाइन भी एक अच्छी हार्ड लाइन है। करियर के मामले में ऐसे व्यक्ति को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं। तो ये थोड़ा सा सतर्क रहने वाली हार्ड लाइन है, मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप कहाँ पर बहुत ज्यादा ही एम्बिशियस हो रहे हैं अपने ड्रीम्स को लेकर। अब इस हार्ड लाइन की बात करते हैं जो एकदम स्ट्रेट होती है और जाकर जुपिटर के कॉर्नर पर जाकर खत्म हो जाती है, अंत में खत्म होती है। तो ये एकदम सीधी और बड़ी और लंबी हार्ड लाइन है। तो ऐसे व्यक्तियों को करियर के लिहाज से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी औरत के हाथ में इस तरीके की हार्ड लाइन है तो काफी वफादार होती है, रोमांटिक होती है और इस तरीके का उसका नेचर होता है। और जब हम पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुष भी काफी ज्यादा रोमांटिक देखे जाते हैं, लेकिन करियर के लिहाज से उनको थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपकी लक लाइन कैसी है। अगर आपकी लक लाइन सीधी है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कट नहीं है, तो हो सकता है आप ये सारी चीजें नहीं फेस करें। लेकिन अगर आपकी लक लाइन में कोई प्रॉब्लम है और आपकी हार्ड लाइन भी सीधी है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है अपने करियर के लिहाज से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले सीरीज में मैं लेके आऊंगी।